तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो एसएसबी इंस्पेक्टर में आपके पास कुछ वैकेंसी आई है जिसमें सिविल डिप्लोमा बी बीटेक मांगा गया है और नर्स की है। आइए देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो आप देख सकते हैं इसमें इंडियन का सिटीजन हुए नेपाल भूटान और इंडिया वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की बात करें, इसमें आई है पोइनूर ड्राफ्टमैन कम्युनिकेशन और स्टाफ नर्स फीमेल की आई है जिसमें ग्रुप बी के रिलेटिव है, ठीक है, यानी कि ग्रुप बी की पोस्ट के अंतर्गत आते हैं। सस्त सीमा बल आपका पे स्केल रहेगा 35,400 से 112,400, यानी कि एज पर 7th पे कमीशन के हिसाब से आपके पास यह पे स्केल रहेगा। और अलाउंस आपके पास अलग से दिए जाएंगे, फोर्थ से जो भी अलाउंस होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी जॉब है, ज़रूर भरिए इसको, ठीक है। वैकेंसियाँ कम है बट भर लीजिए। तो आज देख लेते हैं इसमें, तो इसमें क्या क्या मांगा है। देखिए, सब इंस्पेक्टर पोइनूर एंड स्टाफ नर्स फीमेल में भारत का नागरिक होना चाहिए, अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वहीं बात करें सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन एंड कम्युनिकेशन की, अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नेपाल और भूटान से हमारे पास यहाँ से होना चाहिए, आप तभी यहाँ पे एलिजिबल हैं। वहीं बात करें वैकेंसी कितनी कितनी है किस किस डिपार्टमेंट में। अगर हम पोइनूर की बात करें, 8 UR के लिए, यानी कि ऑल, ठीक है, सब लोग के लिए होंगी 8। EWS कैंडिडेट के लिए जो रिजर्व में आते हैं 1, 5 OBSC, SC के लिए 3, ST के लिए 1 और टोटल वैकेंसी 18 है। सब इंस्पेक्टर की बात करें ड्राफ्टमैन की, 3 वैकेंसियाँ यहाँ पे UR के लिए दी गई है, EWS के लिए कोई वैकेंसियाँ नहीं है। वहीं बात करें टोटल वैकेंसी की, 3 वैकेंसी इसमें टोटल है। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन यानी कि IT सेक्टर 56 वैकेंसी है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल की 39 वैकेंसियाँ हैं जिसमें UR के लिए 17, 2 EWS, 10 OBC, SC की 8, 2 ST की है, ठीक है। अभी इसके फॉर्म यहाँ पे खुले नहीं हैं, तो जैसे ही खुलेंगे मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूँगा, खुल गए आप भर लीजिए करके। तो आप देख सकते हैं इसमें 10% का एक्स सर्विसमैन है तो आपको रिजर्वेशन मिल सकता है इसमें। तो इसकी लास्ट डेट कब तक है, इसकी लास्ट डेट है आपकी 17 तारीख से, 17 जुलाई से स्टार्ट हो गए फॉर्म और 16 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तो इसके ज़रूर भरिए। आइए देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है। अगर आप सब इंस्पेक्टर पोइनूर के इसमें आते हैं तो अब 30 ईयर तक हैंगी, यानी कि 30 साल तक आप भर सकते हैं। अगर 30 ईयर से पहले हैं तो भरिए, बाद में तो ना भरिए, अप टू 30 ईयर्स। डिग्री एंड डिप्लोमा सिविल इंजीनियर मांगा गया है। वही बात करें सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन की, 18 to 30 ईयर्स, इसमें 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और 2 ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट, ठीक है, और 1 ईयर का आपके पास ऑटोकैट होना चाहिए और 1 ईयर का आपके पास ड्राफ्टमैनशिप में इस एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि ड्राफ्टमैन में, ठीक है। 3 चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंडीशन है तो तभी अप्लाई करें, नहीं तो नहीं करें, क्योंकि इसके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि डिफेंस का है तो रिजेक्ट तो हो ही जाता है, वहाँ बहुत अच्छे चेक होते हैं। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के अप टू 30 ईयर्स, डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन CS और इन IT वालों के लिए है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इसमें सब अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सब इंस्पेक्टर नर्स और नर्स की बात करें जिसमें फीमेल अप्लाई कर सकते हैं इसमें बेसिकली, इसमें भी 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है 12th पास के साथ साथ, वो मस्ट बी सेंटर और या स्टाफ नर्सिंग काउंसलिंग, आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सेंट्रल, क्योंकि नर्स के उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अनिवार्य है। 2 साल का एक्सपीरियंस कोई भी हॉस्पिटल में होना चाहिए तभी आप एलिजिबल है इसमें। एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट डेट की बात करें तो 30 डेज यानी कि 17 तारीख से स्टार्ट हो गए, 16 अगस्त तक आपके पास फॉर्म ऑफ हो जाएंगे। फीस सबमिट की बात करें, EWS जनरल वालों के लिए 200 फीस, वही बात करें SC ST वालों के लिए कोई फीस अप्लाई के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं आप SSBRECTT.gov.in में, आप इस वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप ज़रूर भरिए, है ना। 116 अप्रोक्सीमेट वैकेंसियाँ हैं इसकी, तो ऑनलाइन सारा होगा, आप देख सकते हैं इसमें ऑनलाइन मोड है यहाँ पे, कोई भी ऑफलाइन नहीं होगा, यानी कि आपके पास जो फीस सबमिट भी होगा ड्राफ्ट तो ऑनलाइन ही लगाना है ड्राफ्ट, ठीक है। इसके बाद बोल दें
और इसकी एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम ये 3 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्योंकि ये जल्दी एग्ज़ाम करा देता है। इससे पहले आपके पास आया था 2020 में भी आई थी इसकी वैकेंसियाँ, तो ये वैकेंसियाँ आती रहती हैं, है ना। तो आप इसको, इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको डायरेक्ट लिंक, आप इसको चेक कर लीजिए और पढ़िए, ठीक है। तो बात करें तो हम यहाँ पे देखिए, इसके लिए तैयारी करिए और NWDA JEE के लिए यहाँ पे जिस भी बच्चों ने भरा है फॉर्म और जिसका पेपर है 1 अगस्त को, उसको बेस्ट ऑफ लक अनदर। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को, क्योंकि मैं छोटी से छोटी नोटिफिकेशन आपको देता हूँ, क्योंकि बहुत, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत दूर दूर रहते हैं, यानी कि इंटरनेट सेवा नहीं मिलती है, जो नेपाल में, तो खासकर क्योंकि मेरे साथ के भी हैं नेपाल में, तो उन्हें यहाँ पे इंटरनेट सुविधा ऐसी नहीं मिलती है, ना समझ सकते हो। तो शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस वीडियो को, एंड थैंक यू, आपने इतना प्यार दिया है, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स, गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।